जी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है वो। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सिवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। आज ईडी ने बार बार झूठ बोले, बार बार अफवाह फैलाई, कोर्ट में झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोले? सबसे पहला झूठ जो ईडी ने बोला, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी को उनके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब एक स्वीटनर एरिथ्रिटॉल की चाय भी और की मिठाई भी अलाउड है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि इस एरिथ्रिटॉल को आप गूगल करके देखिए। ये एक ऐसा लो कैलोरी स्वीटनर होता है जो डायबिटिक्स को दिया जाता है। तो जो चाय अरविंद केजरीवाल जी पी रहे हैं, जो मिठाई अरविंद केजरीवाल जी खा रहे हैं, वो इस स्वीटनर से बनी हुई है। ये है ईडी का पहला झूठ। ईडी का दूसरा झूठ कि वो केला खा रहे हैं अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए। मैं ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास दो चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है, क्योंकि जब आपको सीरियस डायबिटीज होता है तो आपका शुगर लेवल एकदम से गिर सकता है, और शुगर लेवल एकदम से गिरने से जान को भी खतरा हो सकता है। अगर ईडी वाले कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में होंगे या जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो उनके पास हमेशा किसी प्रकार की टॉफी होना जरूरी है, और उसके साथ केला होना जरूरी है। यह है ईडी का दूसरा झूठ। ईडी का तीसरा झूठ कि रोज 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 आलू पूड़ी जैसा खाना खा रहे हैं। मैं ईडी वालों से आग्रह करूंगी, थोड़ा भगवान से तो डरो। इतना झूठ बोलने से पहले आपने खुद
जो कोर्ट में डायर चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में? ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से, जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही है। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को, जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी, तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा जो आज आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल जी एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम के तहत अपनी इंसुलिन को, इंसुलिन की डोजेज को कम करवा रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने एक एप्लीकेशन डाली ये कहते हुए कि आप हमें हमारे डॉक्टर के साथ जो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम देख रहा था, कम से कम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि अरविंद जी को जेल के बाहर लेके आइए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई खास ट्रीटमेंट दीजिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर को तिहाड़ लेके जाइए। जब हम ये मांग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दी जाए, तो ईडी उसका भी विरोध कर रही है, तिहाड़ जेल उसका भी विरोध कर रहा है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी के होम कुक्ड खाने को रोकना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप उनको तिहाड़ का जेल का खाना देके उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। दूसरा, आप अरविंद केजरीवाल जी के बार बार मांगने पर उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं,
उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, आप उनको दवाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको मारने की साजिश कर रहे हैं। तीसरा, जब अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांग रहे हैं तो ईडी वाले उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। आज जो ईडी ने कोर्ट में कहा है वो सिर्फ एक अफवाह फैलाने के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है कि वो तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं, मैं ईडी को ये बता दूं कि आप जो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी इसको देख रहे हैं, देश के लोग भी इसको देख रहे हैं और भगवान भी इसको देख रहा है। ना आपको दिल्ली के लोग कभी माफ करेंगे, ना आपको देश के लोग माफ करेंगे, ना आपको भगवान कभी माफ करेगा, ये मैं आपको बता दूं। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल जी की जो डाइट है वो एक बहुत केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड डाइट है उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसमें एक बहुत केयरफुल बैलेंस, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, उसके अनुसार दिया जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी घर में होते तो वो बिल्कुल उस हिसाब से खाना खाते। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं जहाँ पे उनका शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, और इस लगातार फ्लक्चुएट करते हुए शुगर लेवल में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश है।